दोस्तों आज की कहानी है, सासू माँ आपके बेटे को नॉनवेज खाना मैंने नहीं सिखाया। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। आरती कल रात को विशाल और अजय कितने बजे घर लौटे थे, आरती की सास ने कड़क आवाज में पूछा। वो माँ जी थोड़ी देर हो गई थी, आते आते 2 बज गए थे। आरती ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अरे तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि विशाल को टाइम पर घर लौटने के लिए बोला करो, तुम हो कि सुनती ही नहीं। सब तुम्हारी गलती है, बिगाड़ कर रखा है मेरे बेटे को, जल्दी लौटने के लिए बोला कर। अपने पति को आरुषि तुम भी तो अजय को समझा सकती थी ना, लेकिन अब तुम भी अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के माहौल को खराब करने में लग जाओ। सास अपनी बहुओं को डांट कर अंदर चली गई। आरती भाभी ये सब क्या है, माँ जी हम पर गुस्सा क्यों हो रही है? आरुषि अभी 4 महीने पहले ही घर में छोटी बहू बनकर आई थी, उसने अपनी जेठानी से अपनी सास के गुस्से का कारण पूछा। अरे सोड़ना आरुषि, माँ जी की तो आदत है, वो क्या है ना कि विशाल और अजय जब भी किसी पार्टी से रात को देरी से लौट कर आते हैं तो माँ जी को लगता है कि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों बेटे ही खुद देर रात तक पार्टी करना पसंद करते हैं। माँ जी को तो ये भी अच्छे से पता है कि दोनों बेटे शराब भी पीते हैं। अब तू भी तो जानती है ना कि ये लोग हमारी एक नहीं सुनते, ऊपर से इन पतियों को कुछ कह दो तो गुस्सा करने लगते हैं, और इधर से माँ जी अक्सर मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। कभी भी तेरे विशाल भैया या अजय को समझाया नहीं, बस मुझ पर ही बरसती रहती है। मुझे 4 साल हो चुके हैं, इन बातों को सुनते सुनते धीरे धीरे तुझे भी माँ जी की इन बातों की सुनने की आदत पड़ जाएगी। और भाभी हमें क्यों बेवजह ही माँ जी सुना कर चली गई, इसमें हमारी क्या गलती है? बेटों की गलती पर बहुओं को क्यों सुनाया जा रहा है? अरे सल छोड़ना, इस घर में ऐसे ही चलता है। इतना कहकर दोनों आरती और आरुषि अपने अपने काम में लग गई। इसी तरह कई बार सास ने बहुओं को निशाना बनाकर कितनी बातें सुनाई। घर में कभी नॉनवेज खाना नहीं बनता था और नहीं लाया जाता था, लेकिन विशाल और अजय को नॉनवेज खाना बहुत पसंद था। दोनों भाई अक्सर बाजार जाकर खा लिया करते थे, इसके लिए भी बहुओं को ही दोषी ठहराया जाता था। आरुषि से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन तो हद ही हो गई, सासू माँ आरती और आरुषि को कहने लगी, तुम दोनों अपने अपने पतियों को शराब पीने से क्यों नहीं रोकती? उनको मांसाहारी खाना खाने के लिए मना क्यों नहीं करती? मैंने कभी नहीं देखा कि तुम दोनों ने कभी उनको समझाया हो, थोड़ी सी भी समझ नहीं है तुम दोनों में। मुझे पता चल गया है कि अब अजय भी बड़े भाई विशाल की ही तरह सिगरेट पीने लगे हैं। आरती से तो इतने सालों में कुछ हुआ नहीं, कम से कम आरुषि तुम तो कोशिश कर सकती हो या नहीं? आरुषि को बहुत बुरा लगा, उस दिन तो कुछ ना कह सकी, लेकिन उसके मन को इन सब बातों ने बहुत ठेस पहुंचाई। एक दिन सासू माँ घर के पूजा घर में पूजा करने के लिए गई। आरुषि के मन में हलचल सी मसी और अपनी सास को हिम्मत जुटाकर बोली, माँ जी एक बात बताइए, क्या अजय और विशाल भैया ने
शादी से पहले कभी शराब नहीं पी थी, दोनों ने क्या शादी के बाद से नॉनवेज खाना शुरू किया था? क्या ये सब हमारे आने के बाद से शुरू हुआ है? आप सस सस बताइएगा। आप इस समय मंदिर में खड़ी है, झूठ बोलना सही नहीं होगा। आरुषि की बात सुनकर सासू माँ एक शब्द भी बोल ना सकी। माँ जी आपकी खामोशी मुझे बहुत खुश कर रही है। आप अपने बेटों की आदतों से अच्छे से वाकिफ हैं। अगर आप 30 साल की अपनी परवरिश में अपने बेटों को बदल नहीं सकी तो आप हम दोनों से ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि हम अपने पति को बदल देगी? भाभी को विशाल भैया के जीवन में आए 4 साल हो चुके हैं और मुझे और अजय को मिले तो कुछ महीने ही हुए हैं। आपको नहीं लगता कि हम पर जो कटाक्ष करती है वो असल में हमारे लिए सही नहीं है? अगर हम बहुओं से कोई गलती हो तो आप में 100 बार भी गुस्सा कर सकती हैं, लेकिन भगवान के लिए हमें इस बात का दोष दे कि हमने आपके बेटे को बिगाड़ा है, ये बिल्कुल ना दे हमारे ऊपर। एक पत्नी कभी नहीं सहेगी कि उसका पति सिगरेट शराब पिए। हम भी आप ही की तरह घर की सुख शांति साथी हैं। अपने बेटों की गलतियों की सजा हमको ना देकर अपने बेटों को समझा देगी तो सही होगा। सासू माँ का अहम दाव पर था, बहू से तीखी और कड़वी, लेकिन सच्ची बात सुनकर माँ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और प्रभु पूजा में विलीन हो गई। अब उनसे उम्मीद तो है कि अब भविष्य में अपने मन की भड़ास निकालने के लिए आरती या आरुषि को निशाने पर नहीं बनाएगी। दोस्तों, ऐसा अक्सर कई घरों में होता है, गलती अपने बेटों की होती है पर सास ससुर बड़ास पूरी बहुओं पर निकालते हैं कि हमारे बेटे को बहू ने बिगाड़ा है। बहू कुछ नहीं कहती है, अरे भाई वो बहू भी अपने पति के बारे में बुरा नहीं सोचेगी? उसका पति ये सब पीता है तो उसे भी अच्छा तो नहीं लगता होगा। तो दोस्तों, कहानी से बस इतनी सी सीख मिलती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी बहुओं पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, शांति से समस्या का हल निकालना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।